और वो पहले कल था और आने वाले कल में भी होगा एंड टुडे ही इज इन कंट्रोल और आज के दिन वो नियंत्रण में है सो लेट अस ट्रस्ट दिस जीसस और आइए इस प्रभु यीशु मसीह पर हम अपने विश्वास को रखें थैंक यू लॉर्ड द बुक ऑफ जॉब इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट बुक इन द बाइबल और अय्यूब की पुस्तक को पवित्र शास्त्र में सबसे पुरानी पुस्तकों में से जाना जाता है जॉब आल्सो इज कंसीडर्ड टू बी अ कंटेंपरेरी Of, uh, Abraham. और अयुब को अब्राहम के संग देखा उस समय में देखा जा सकता है एंड ऑल ऑफ एस आर वेरी फैमिलियर विथ द बुक ऑफ जॉब हुट इज द सफरिंग ऑफ जॉब और हम सब एयुब की पुस्तक के बारे में जानते हैं जिसमें हम इस बात को देखते और पाते हैं किस प्रकार से अयुब अपनी परेशानी और मुश्किलों मुश्किलों में भी आ, शांत बना हुआ सोर्स वन क्वेश्चन दैट कम्स व्हेन वी थिंक ऑफ जॉब इज व्हाई The righteous or the good people suffer. और एक ऐसा प्रश्न जो हमारे मनो में जरूर आता है जब हम आयु के विषय में सोचते हैं ये है की क्यों धर्मी परेशानियों और सताव से होकर निकलते है सफरिंग क्यूंकि परेशानियाँ और मुश्किलें तो सब के जीवन में आती है सफरिंग uh,

और जब तक हम इस बात को ना समझे कि परमेश्वर के मार्ग और तरीके कैसे हैं वैसे हम आ, अपने आप में भी उन तरीकों और उन मार्गों को नहीं पहचानेंगे नो तृप्त करने वाले उत्तर नहीं दिए जा सकेंगे बट वेन वी अंडरस्टैंड गॉड एंड डीलिंग्स विद ह्यूमैनिटी लेकिन जब हम परमेश्वर और किस प्रकार से वो मानवता के संग व्यवहार करता है इस बात को समझेंगे अंडरस्टैंड वाई तब हम समझेंगे क्यों नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ वाई और न केवल ये सवाल क्यों वी ऑल्सो कम टू रियलाइज दैट दिस काइंड ऑफ सफरिंग्स आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेक अस अ पर्सन हु इज स्ट्रॉन्ग इन द लॉ और हम इस बात को भी समझते हैं कि ये सताव ये मुश्किलें ये कठिनाइयाँ इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में वो व्यक्ति बने जिसकी आवश्यकता है सो आई वुड लाइक टू मेडिटेट This morning and also in the next meditation on Thursday, concerning Job's three questions answered by the cross. और इसलिए मैं आज की सुबह इस मनन में और अपने अगले मनन जो कि बृहस्पत को होगा उसमें भी हम इस आयु के जीवन में उन तीन सवालों के, के विषय में अध्ययन करेंगे and क्वेश्चन थर्टी एंड थर्टी फाइव जो पहला सवाल हम देखते हैं वो अयुब की पुस्तक नवे अध्याय तैतीस और वचन में हमें चौंतीसवेर इज नो आर्बिटर बिटवीन आस हैंड ऑन आस बोथ लेट हिम टेक हिस रोड अवे फ्रॉम मी एंड लेट नो ड्रेड ऑफ हिम टेरिफाई मी हम दोनों के बीच कोई बचवाई नहीं जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे वो अपना सोटा मुझ मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझसे ना घबराए नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट जॉब इज आस्किंग और यहां पर वो पहला सवाल हम देखते हैं जो आईब पूछ रहा है हु कैन बी अ मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन कि कौन परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक अब मध्यस्थता कर सकता है या बिचवैया बन सकता है इज दर एनी क्या ऐसा कोई भी है इफ दर इज आई वुड लाइक टू नो वेयर टू फाइंड और अगर ऐसा कोई है तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कहाँ मैं उससे मिल सकता सो ही कैन टेक होल्ड ऑफ बोथ God's hand and my hand and bring it together so that there will be reconciliation. तब वो ऐसा व्यक्ति मेरा हाथ और परमेश्वर का हाथ दोनों के हाथों को पकड़ कर मिला देगा ताकि परमेश्वर और हमारे बीच वो मेल मिलाप हो जाए no अगर ऐस, अगर कोई मेल मिलाप नहीं हो no तब कोई शांति नहीं सो वॉट जॉब वॉज क्राइंग फॉर पीस बिटवीन हिमसेल्फ एंड गॉड और इसलिए जिस बात के लिए आयुब रो रहा था या बात चिल्ला रहा था वो था परमेश्वर और उसके मध्य शांति And uh, this is a question of a mediator. And the sufferer who is Job begins to feel that the problem of his affliction needs for its solution a mediator. और... अय्यूब को ऐसा लगता था कि उसकी तारना के प्रति उत्तर उसकी परेशानियों के प्रति उत्तर अब अब इसके द्वारा संभव है जब एक बचवैया उसके और परमेश्वर के बीच में वो मध्यस्थता करे इज देयर सच पर्सन सच ए मीडिएटर एक्जिस्ट एंड इफ ही डज वेयर कैन आई फाइंड हिम क्या ऐसा कोई बिचवाई उपलब्ध है और अगर हाँ है तो मैं उससे कहा मिल सकता हूँ बिटवीन गॉड एंड मैन एक ऐसा मध्यस्थता करने वाला जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक मध्यस्थता को कर सके विदाउट सच ए मीडिएटो मैन एंड गॉड है कॉमन ग्राउंड और याद रखिए ऐसे एक मध्यस्था करने वाले के ना उपलब्ध होने पर मनुष्य और परमेश्वर एक नहीं हो सकते Who is a mediator? और एक मध्यस्थता करने वाला कौन है What does he do? वो क्या करता है A mediator is someone who is trustworthy and acceptable to both the parties. और एक मध्यस्थता करने वाला या बिचवाई करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों समूह के द्वारा ग्रहण योग्य है Who is acceptable? जिसको दोनों ही समूह ग्रहण करते हैं वो दोनों समूह के बीच शांति ला सकता है मध्यस्था कर गल्फ इज टू वाइड इन मैन कैन नेवर मेक्रिज टू क्रॉस द गल्फ क्यूकी वो घाटी इतनी लंबी और गहरी है कि सबसे उत्तम और अच्छा मनुष्य भी एक ऐसे पुल को नहीं बना सकता कि वो उस घाटी के उस पार चला जाए बिकॉज द गल्फ इज टू वाइड क्यूँकी वो घाटी बड़ी चौड़ी है that that, so no इसलिए कोई तरीका है ही नहीं की मनुष्य अपने द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सके so Job cries out, और इसलिए अयुब चिल्लाता है इफ ओनली देर वर अटो हु And us. कि सिर्फ अगर एक मध्यस्था करने वाला मेरे और परमेश्वर के बीच में होता जो हमारे बीच में उस मध्यस्था को कोई ऐसा जन जो दोनों स्वभावों को समझ सके परमेश्वर का स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव एंड ऑल विल बी वेल और तब सारी बातें अच्छी हो जाएंगी दिस इज द्राई ऑफ द क्राई ऑफ द मैन और यही रोना था या गुहार थी अयुब की Who is such a person? और कौन है एक ऐसा व्यक्ति So I want to read a few verses. और इसलिए मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। The Gospel according to Saint John, chapter one. यहूना रचे सुचार पहला अध्याय John chapter one.

उसी ने उसे प्रकट किया यू नोटिस वन थिंग एक बात को आप यहाँ पर देखिए नो वन है कि किसी ने भी परमेश्वर को कभी देखा नहीं एंड देन इट और तब वो आगे कहता है The only God who is at the Father's side, He has made Him known. लेकिन वही परमेश्वर जो पर पिता के दाहिने हाथ पर है, उस पुत्र ने उस पिता को दिखाया. And then Romans chapter first, listen to these passages. पहले आप Romans chapter eight. रोमियो की पत्री उसका आठवा अध्याय वर्सेस 26 एंड 27 सेवन और छब्बीसवा और सत्ताईसवा वचन रीड लाइक लाइकवाइज़ द स्पिरिट हेल्प्स अस इन आवर वीकनेस फॉर वी डू नॉट नो व्हाट टू प्रे फॉर एज वी ऑट बट द स्पिरिट हिमसेल्फ इन द सीड्स

परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर करके जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है उसका दूसरा अध्याय पांचवा वचन Here it is written, for there is one God and there is one mediator between God and men. क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है अर्थात मसी यीशु जो मनुष्य है Then Hebrews, उसके पश्चात इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर एट वर्स सिक्स आठवां अध्याय छठा वचन

जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई हैं चैप्टर वर्स 15। उसके बाद अध्याय पंद्रह की पुस्तक मीडियो ऑफ अ न्यू कवेंट सो दू दो मे रिव द प्रोमिस्ड इटर्नल इनहेरिटेंस सिंस हैज अकर्ड रिडीम्स दम ट्रांसक्रेशन कमिटेड इसी कारण वह वा नई वाचा का मध्यस्थ है अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें बारवाध्याय का चौबीसवा वचन Jesus The of a new covenant and the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. और नई वाचा की मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है Here is my friends, the answers to uh, jobs search to find a mediator. यहाँ पर अयुब के उस उत, प्रश्न के उत्तर को हम पाते है जहां पर वो परमेश्वर से गुहार लगा रहा है की कोई मध्यस्था करने वाला परमेश्वर और उसके बीच में मिल जाए। और ये प्यास और ये ये भूख जो अयुब के दिल में थी ये पूरी मानवता की भूख और प्यास है अब वाइल जॉब रिक्नाइज the need but he could not find the answer और जबकि यीशु ने इस आवश्यकता और जरूरत को पहचाना लेकिन इस जरूरत के प्रति वो उत्तर को नहीं ढूंढ सका but we who live in the new testament era लेकिन हम जो नए वचन और नई वाचा के इस युग में जीते हैं now we know अब हम जानते हैं that there is a mediator कि एक मध्यस्थ करने वाला हमारे लिए है and when no created being एंजल्स और मैन कुड परचेज पीस फॉर अ गिल्टी वर्ल्ड और जबकि बनाई गई कोई भी सृष्टि का वस्तु या कोई भी स्वर्ग दूध जब उस शांति को हमारे लिए नहीं ले पाया गॉड मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश तब परमेश्वर खुद देधारी होकर हमारे सम्म आ गया दट वी रीड इन ऑल दीज Verses. तब इसी बात को हम इन सारे वचनों में पढ़ते हैं जिन्होंने जिन्हें अभी हमने पढ़ा And first one verse, one verse और खास से पहला one verse, I'm, I'm sorry, दूसरा अध्याय पांचवा वचन वर्ष फाइवर इट इज एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्था करने वाला है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो की है मनुष्य प्रभु ये मसी चीस एस क्राइस्ट इज गॉड और प्रभु ये मसी तो परमेश्वर स्टिल गॉड और वो आज के दिन भी परमेश्वर है सो वेन नो क्रिएटेड बींग लाइक दुट Uh, we could find, uh, और इसलिए इसलिए परमेश्वर के द्वारा बनाई गई किसी भी सृष्टि चाहे वो स्वर्ग दो चाहे वो मानव हो जब कभी किसी को भी वो मध्यस्था करने वाला प्राप्त ना हो गॉड सन तब वो परमेश्वर पुत्र ही बिकेम ही वॉज बोर्न एसन ऑफ गॉड तब वो परमेश्वर A के son of man. तब वो मनुष्य के पुत्र के रूप में इस परमेश्वर ने हमारे समुख जन्म लिया सो गॉड मैनिफेस्टेड इन द फ्लश और इसलिए परमेश्वर देधारी होकर मनुष्य के बीच में आया Thus he is the mediator. और इसलिए वही मध्यस्थता करने वाला है टूडे ही इज स्टिल मीडिएटिंग फॉर ह्यूमैनिटी और आज के दिन भी वो मानवता के लिए मध्यस्था कर रहा At the right hand of God, the Father. परमेश्वर के धाई ने हाथ पर बैठकर लाखों और लाखों और मानुष्यो और परमेश्वर के बीच में वो मेल मिलाप हो चुका है इस प्रभु ये द्वारा

have a peace with God. और उसके द्वारा परमेश्वर के संग हमें वो शांति मिलने पाए. What a marvelous revelation! वो कितना अद्भुत प्रकाशन है ये. Today peace between you and God Almighty, the perfect one who is in holiness. और इसलिए आज के दिन आपके बीच और परमेश्वर के बीच वो शांति वो सिद्ध परमेश्वर जो पवित्र है come to Jesus. इसलिए यीशु के पास आ जाएं. In humility you come. दीनता के साथ आप उसके समक्ष आएं. In repentance you come. मन फिराएं उसके पास आएं. And call on His name. और उसके नाम को पुकारें. And everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. और हर एक वो जन जो परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो बचा लिया जाएगा. Such a man is or woman is restored to God in relationship. और ऐसा मनुष्य या ऐसी महिला परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में दोबारा जोड़ दिया जाते हैं। This is our hope. और यही हमारी आशा है एंड द डोर ऑफ दिस होप इज अबाउट टू बी क्लोज और लेकिन इस आशा का जो फाटक है वो बहुत जल्द बंद होने वाला है फॉर क्राइस्ट इज कमिंग अगेन क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है टू टेक हिज चर्च ताकि अपनी कलीसिया को उठा कोटा चर्च में बी विद हिम फॉर एवर ताकि उसके संग अनंत के लिए हो जाए गैटी इसलिए तैयार और मेल मिलाप कर लें क्योंकि हमारा मध्यस्थता करने वाला इंतजार कर रहा स्पिरिट हमें पवित्र आत्मा स्पिरिट ऑफ गॉड परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन कमिंग टू गॉड जीसस क्राइस्ट द मीडियटो हम सबको तेरी और तेरी आवश्यकता है तेरी सहायता की आवश्यकता है कि हम उस प्रभु मसीह परमेश्वर के निकट आने पाएगा so और इसलिए बड़ी दीनता के साथ हम तुझे पुकारते हैं more more you, कि तू तो और ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींचते चले थैंक यू फादर धन्यवाद पिता इन जीस यीशु के नाम में आमेन हमेन दिस इज अ ग्रेट डे ये एक महान दिन है एंजॉय दिस डे इस दिन का आनंद आप लें, गॉड्स ब्लेसिंग भी परमेश्वर का आशीष आप सबके ऊपर हो आमेन आमेर